नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। करतारपुर नेशनल हाईवे पर बोरवेल में गिरे मजदूर के शव को 48 घंटे बाद कड़ी मुशक्कत से निकाला बाहर, एम्बुलेंस में डालकर भेजा अस्पताल। जालंधर के ईश्वर कॉलोनी में भांजी के प्रेम विवाह से गुस्साए मामा ने साथियों सहित किए हवाई फायर, जमकर बरसाई ईंटें और पत्थर। मलेशिया में फंसी संगरूर की लड़की की वीडियो हुई वायरल, मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर पंजाब वापसी का दिलाया भरोसा। और अब हलचल विस्तार से। करतारपुर में नेशनल हाईवे पर काम कर रहे मजदूरों में से एक मजदूर गत दिवस बोरवेल में गिर गया था। करीब 18 मीटर गहरे बोर में एक मजदूर रेत के नीचे फंसा रहा, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम और क्रेनों को मौके पर बुलाकर गड्ढे में फंसे मजदूर को निकालने के लिए खुदाई का काम शुरू किया गया था। तो वहीं बचाव कार्य की टीमों की ओर से 48 घंटे की मेहनत के बाद सुरेश बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया और उसकी बॉडी को उठाकर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गौरतलब रहे कि जम्मू कटरा नेशनल हाईवे पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। दो मजदूर पिलर पर काम कर रहे थे, इस दौरान एक मजदूर बाहर आ गया लेकिन दूसरा गहरे बोर में गिर गया, जिसके ऊपर रेत गिर गई। देर रात से टीमें उसे निकालने की कोशिश में लगी हुई थी। करतारपुर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर की ईश्वर कॉलोनी में देर शाम भांजे के प्रेम विवाह से गुस्साए मामा ने अपने साथियों के साथ मिलकर ना केवल हवाई फायर किए बल्कि पूरी कॉलोनी में ईंट पत्थर बरसाते हुए गुंडागर्दी का नंगा नाच भी किया। इस दौरान गुंडा तत्वों ने प्रेम विवाह करने वाली भांजी तथा उसके पति के साथ साथ परिजनों पर भी हमला किया, जिससे दो लोग घायल हो गए। वही घटना की सूचना मिलते ही थाना भार्गव कैंप की पुलिस तथा सीआईए स्टाफ की टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद आरोपी मामा राजवीर उर्फ नन्नू सहित 1.5 दर्जन लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि देर रात तक कमिश्नरेट पुलिस की टीमें आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी। पुलिस को दिए बयानों में ईश्वर कॉलोनी निवासी करण कल्याण ने बताया कि उसके भाई मैक्स ने एक वर्ष पहले प्रेम विवाह करवाया था और पिछले एक वर्ष से सब कुछ सही चल रहा था। उनके अनुसार मैक्स की पत्नी का मामा, जो कि आपराधिक छवि वाला व्यक्ति है, वह कुछ दिनों से अपनी भांजी को धमका रहा था कि उसकी माँ ने उसकी 8 लाख की FD करवाई हुई है, वह उसे तुड़वा दी क्योंकि उसकी बहन ने ये FD उसकी शादी के लिए करवाई थी, लेकिन उसने अपनी मर्जी से भागकर शादी कर ली, इसलिए उन पैसों पर उसका अब कोई हक नहीं है। इसी बात को लेकर लगातार उसका मामा भांजी पर दबाव बना रहा था और देर शाम उक्त आरोपी अपने हथियारबंद साथियों के साथ मिलकर ईश्वर कॉलोनी स्थित भांजी के ससुराल घर आया और देखते ही देखते गाली गलौच शुरू कर दी और ईंट पत्थर बरसाई। ऐसे में जब शोर सुनकर मोहल्ला निवासी आए तो आरोपियों ने हवाई फायर कर दहशत फैला दी। वही घटना की सूचना मिलते ही थाना भार्गव कैंप के प्रभारी सब इंस्पेक्टर हरदेव सिंह तथा सीआईए स्टाफ के प्रभारी इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं देर रात तक पुलिस वारदात स्थल पर CCTV फुटेज खंगालने में जुटी हुई थी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन के साथ पंकज शर्मा की रिपोर्ट। गोलियां चला के गए आ राजवीर मन्नू ने सर मुंडे भेजे, मन्नू भी नाल आया सी, गब्बर गब्बर मुंडा आ सर, इन्होंने साढ़े ते हमला किया वा जानलेवा हमला किया, गोलियां चला के सर इतने इट्टा रोड़े मार के गए, साडा सारा घर तोड़े। गल की हुई है? गल सर उहदी भांजी आ साढ़े घर ब्याही, लव मैरिज कराई आ उहने, उह साढ़े घर ब्याही आ, उहदे करके सारा अर्जुन कल्याण ना लड़के मैरिज करवाई थी, जी लड़की ने जो मैरिज हुई इन्होंने आपसे रिलेशन कुछ मुंडे के नॉन से विह करवा चाहते ही, तो जी लड़की की मामी तो नानी है ये इस टाइम मैरिज वास्ते सहमत थी, पर उन्होंने मामा से राजवीर मैनू वो सहमत नहीं थी। सर पता लगा कि गोलियां चलिया कुछ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀਆਂ संगरूर के अडकवास गांव की लड़की पिछले एक महीने से मलेशिया में फंसी हुई थी, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वह पंजाब वापस आने की अपील कर रही थी, जिसकी खबर मीडिया ने प्रमुखता से दिखाई। और अब इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी कि मलेशिया में लड़की के साथ भारतीय दूतावास की बातचीत हो चुकी है, कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद लड़की जल्द ही पंजाब लौटेगी। अपनी बेटी की जल्द पंजाब वापसी की खबर सुनकर मलेशिया में फंसी गुरविंदर कौर की बहन और माता पिता बेहद खुश हैं। गुरविंदर कौर की छोटी बहन रानी और माता अमर कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री हाउस से उन्हें कई बार फोन कॉल आ चुकी है, जिसमें जो जानकारी उन्होंने मांगी उन्होंने दे दी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि गुरविंदर कौर के साथ संपर्क हो चुका है, कुछ ही दिनों में वह पंजाब लौट आएगी। उन्होंने कहा कि वह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और मीडिया का धन्यवाद करते हैं, जिनके चलते विदेश में दरिंदों के जाल में फंसी उनकी बेटी की घर वापसी हो रही है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में अब लहरा कागा पुलिस ने गुरविंदर कौर को मलेशिया ले जाने वाले ट्रैवल एजेंट पर मामला भी दर्ज कर लिया है, जिसमें एक तो गुरविंदर को विदेश भेजने वाले सुनाम निवासी राम सिंह और दूसरा मलेशिया में जिनके पास गुरविंदर कौर रहती है राम सिंह पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। हाँ जी सर, गल हुई है, मतलब कल जो न्यूज़ चैनलों पर सारी ये वीडियोज़ चली है, ये न्यूज़ चली है, उस तो बाद भगवंत मान जी ने ठीक है मतलब ट्वीट किया कि इदा करके गुरविंदर कौर ने जल्द से जल्द है ना इंडिया पहुँचा की मतलब असी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो जल्दी तो जल्दी अपने पेरेंट्स है ना घर वापस आवे। तो सर रात भी सानू कॉल आई सी एम ऑफिस चो, तो अज भी सानू कॉल आई, उन्होंने रात साढ़े तो डॉक्यूमेंट्स मंगे गुरविंदर कौर के मेरी सिस्टर के, तो अज उन्होंने कॉल की एक करीबन एक क बजे कॉल की, तो वह सानू कहते कि इदा करके भी तुम टेंशन ना लो, तुहाडी कुड़ी सेफ है बिल्कुल, हुण भी अंबैसी जान लगी है 3-4 घंटे की दूरी पर अंबैसी, भी उत्थे बिल्कुल सेफ रहूगी कुड़ी, थोड़ी एक वीक के अंदर अंदर थोड़ी कुड़ी मतलब इंडिया आ जाऊगी। मैं भगवंत सिंह मान जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वह मेरी भैन जल्द तो जल्द इंडिया पहुँचाएंगे। उन्होंने जिहड़ी गलबात की है साडा बड़ा साथ दिता, सानू बड़ा संयोग दिता, जिहड़े संयोग दे नाल मेरी बेटी छड़ाई है, इधरों दरिंदियां दे विच फसी हुई थी, उन्होंने दरिंदियां तो मेरी बेटी बचाई है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहनी है भगवंत मान जी का। मेरी बेटी इंडिया वापस, उन्हें छेती तो छेती कहा सीगा भी मैं छेती तो छेती पहुँचा सकदा, मैं ਉਹਦਾ ਇਸੇ ਲੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਚਾਹਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਲੋਟ ਮੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦਾ। ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਮਤਲਬ ਡੋਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਤਲਬ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਆ ਜੂਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲੜਕੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜੂਗੀ ਘਰ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਅੜਕਵਾਸ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ ਥਾਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 420 120B ਅਤੇ 13 ਹਿਊਮਨ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਮਿਤ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਉਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ। स्वतंत्रता दिवस जो कि पूरे भारत देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जंडियाला गुरु के एक नौजवान रिक्शा चालक काकू की ओर से देश के प्रति अपना
जज्बा रखते हुए ये प्रण लिया गया कि वह 36 घंटे पूरे जंडियाला गुरु शहर में कहीं भी रिक्शा लेकर जाएगा और उसके बदले में सिर्फ 2 रुपये ही लेगा। इस मौके पर एक बुजुर्ग व्यक्ति विनोद कुमार ने बताया कि वह अमृतसर से आ रहा था, जब वह जंडियाला गुरु जीटी रोड पर उतरा तो ये रिक्शे वाला आवाज़ लगा रहा था कि 2 रुपये सवारी, जिस पर वह हैरान हो गया। जब उसने उससे पूछा कि उसका 2 रुपये में कैसे गुजारा होगा तो उसने बताया कि वह आज़ादी दिवस को समर्पित 2 दिन के लिए ये काम कर रहा है, वैसे वह 20 रुपये सवारी लेता है। तो वहीं बुजुर्ग व्यक्ति ने उक्त व्यक्ति के जज्बे को सलाम किया। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। मैं अज अमृतसरों आ रहा सी ते बस अड्डे ते मैं उतर के ते मतलब एक फिर रिक्शा की थी इधर अपना वाल्मीकि चौक वास्ते, ते रिक्शे वाला कहता है कि भी 2 रुपये सवारी 2 रुपये सवारी। मैं हैरान रह गया, मैं क्या भी 2 रुपये सवारी 20 रुपये सारे अगे लेंदे हो तुसीं, ते 20 रुपये किस तरह लैंदे हो, 2 रुपये किस तरह मंगन दे हो? कहने बहुत ही, मैं तो इदा ही करदा। तो मैं हैरान, मैं क्या यार पाल बच्चे कितना पालना अपने। वो कहता है जी कि बस मन की ख्वाहिश है कि मैं अपने मन की उपराध करनी सी, मतलब कि इस तरह मतलब कि मेरा मन किया कि मैं करा इस तरह। ये 15 अगस्त वास्ते जी मेरे को खुले नहीं है सी, मैं उन्होंने दस दिते, उन्हें बाकी पैसे मेरे मोड़ दिए। मैं उन्होंने पूछा है कि परिवार ने तेरा किस तरह गुजारा चलेगा, कहता जी परमात्मा करण वाला है, असं कौन है करने वाले। मेरे वालों मतलब ऑफर ये है जी 15 अगस्त वास्ते, मतलब मैं ऑफर दी आ 37 घंटे वास्ते, भी तुम मतलब 2 रुपये मैं दो, तो जंडियाले दे विच तुम मतलब सर्विस फ्री दो। मेरे मन के ख्याल इसलिए आया है कि मतलब मेरे ना किन्ने दिन की मतलब एक दिन सोचन दिया कि मतलब कोई यहोजा मतलब सॉफ्टवेयर देश दिन देश में विखाइए कि मतलब देश में मतलब सल्यूट करते हैं कि यहोजी सोच वाले इंसान देश के होने चाहिए आ देश के प्रति। वेखो सर मैं ये एक चीज़ नोट किया वा कि जे मैं अपनी सारी उम्र कुछ नहीं कमाया, मान लो कुछ नहीं कमाया सारी उम्र 10 रुपये 20 रुपये सवारी लेने असं 10 रुपये 20 रुपये सवारी लेने हाँ सारी उम्र मान लो कुछ भी नहीं कमाया। मैं समझा कि इन्ह 2 दिनों के जे मान लो सरकार नूं आपां जे देश दे प्रति 2 दिन वास्ते सेवा की जाए तो अपना की जाना, जे आपां सारी उम्र कुछ नहीं कमाया तो देश वास्ते मतलब आपां चाहिए कुछ यहोजा करना भी देश दे प्रति मतलब जरा प्यार जगना चाहिए। देश भर में कल स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसके तहत स्वतंत्रता दिवस के मद्देनज़र बरनाला में जिला स्तरीय कार्यक्रम बाबा काला मेहर स्टेडियम में मनाया जाएगा। समारोह में कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जहां सिविल प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, वहीं पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। SSP संदीप कुमार मलिक ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस अवसर पर SSP संदीप कुमार मलिक ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि जिले भर में कानून व्यवस्था का माहौल बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार नाकाबंदी और गश्त कर रही है, किसी भी व्यक्ति को अमन कानून भंग करने नहीं दिया जाएगा। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। जी बरनाला पुलिस वालों इंडिपेंडेंस डे से बहुत ही पुख्ता प्रबंध किए गए सिक्योरिटी वजों। वी हैव प्लेस्ड स्पेशल 24 नाकास, दैन पेट्रोलिंग पार्टीज भी है कि बाहरों भी सानू फोर्स उपलब्ध हुई है, एंड वी हैव मोबिलाइज मैक्सिमम फोर्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। तो साढ़े ओदे नाल नाल रात नू भी नाइट डोमिनेशन स्पेशल चल रहा है, दिने भी चल रहा है। तो इस फंक्शन के आले दुआले भी अभी मैक्सिमम फोर्स मोबिलाइज की हुई है। वी हैव फुल कोऑर्डिनेशन विद द इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑल्सो, तो सारे को सारे इनपुट्स भी है, वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड बड़ा ही पीसफुल अभी माहौल रखा, लॉ एंड ऑर्डर से पीस मेनटेन रखा। पब्लिक में जी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एडवांस अभी कहना चाहते हैं कि, और ये भी कहने भी अपने ये बड़ा ही साढ़े वास्ते एक गर्वशाली दिन हैगा, तो इनू खुशहाली नाल मनाओ, तो वी शुड बी प्राउड इंडिपेंडेंस डे एंड बढ़िया तरीके नाल मनाओ। शिव मंदिर श्री विद्या बंगला मुखी धाम न्यू प्रेम नगर जालंधर में कष्ट निवारण माँ बंगला मुखी मासिक हवन यज्ञ सर्व जन के भले के लिए आहुतियां डाली गई व पूजा अर्चना की गई, जिसमें महंत जय राम दास के परम शिष्य महंत हरि राम दास ने माँ मंगला मुखी जी की उपासना व मंत्रोच्चारण के साथ हवन कुंड में आहुतियां डलवाई।
इस दौरान महंत हरी राम दास ने सावन माह में पूजन व भक्ति पाठ का महत्व बताते हुए कहा कि इस माह में पूजा पाठ से जहां श्रेष्ठ पुण्य प्राप्त होता है, तो वहीं हवन यज्ञ में आहूतियां डालने से दुखों व कष्टों का निवारण होता है। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक माँ मंगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके अलावा सेवादार सौरभ शर्मा, राकेश महाजन व श्यामलाल चड्डा ने विशेष रूप से पहुंचकर हवन यज्ञ में आहूतियां डाली। इस दौरान धाम के संचालक महंत हरी राम दास ने आए हुए अतिथियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर प्रमुख सेवादार अरुण वर्मा, सुरेश कुमार, आशीष बाहरी, मोहित बहल, सुरेंद्र कुमार, जगजीत कुमार, हनुमत शरण, लीना महाजन, पूजा शर्मा, अंशिका शर्मा, अनीता रॉय, शमा शर्मा सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजवीर की रिपोर्ट। शहर के प्रतिष्ठित आप सभी जानते हैं माननीय श्री शीतल विज जी आए हैं, इनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, साधुवाद देते हैं। मंदिर परिसर में माँ बगलामुखी जी का मासिक यज्ञ बड़ी धूमधाम, श्रद्धा और अटूट निष्ठा के साथ मनाया गया। इस महायज्ञ में मुख्य अतिथि के तौर पर बतौर शीतलवीर जी और साथ में श्यामलाल चड्डा जी, जो हमारे मोहल्ला के निवासी हैं, इन्होंने भाग लिया और भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया। ये हवन मंदिर परिसर में प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को किया जाता है। किन्हीं कारणों से इस समय, इस महीने हमने ये महायज्ञ पहले कर दिया है, क्योंकि हमारी कहीं लंबी यात्रा है, उसके चलते ये हवन हमने जल्दी किया है। इस यज्ञ के जो लाभ हैं, वह अनेक अनेक लाभ हैं, सबको सर्वविदित है। भगवती ऋण आदि शत्रु और समस्त कामनाएं जो भी हैं, केस मुकदमा किया कराया ऊपरी कसर, समस्त ऐसी बाधाओं का हरण करती है। और ये ही नहीं, भगवती संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो भगवती के द्वारा अछूत हो, यानी जो भगवती ना कर सके। इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले हर इंसान को, हर व्यक्ति को इस यज्ञ में अवश्य भाग लेना चाहिए। शहर से ही नहीं अपितु यहाँ बहुत दूर दूर से लोग इस महायज्ञ में उपस्थित होते हैं और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए शिव मंदिर श्री विद्या बगलामुखी धाम न्यू प्रेम नगर जलंधर शहर में आकर माथा नवाते हैं। भगवती की स्थापना 28 अप्रैल को हुई थी, बगलामुखी जयंती के पुण्य पर्व पर
इससे पहले यहाँ पर 3 साल से लगातार माँ बगलामुखी जी के पावन यज्ञ चल रहा है। उस समय हमारे पास भगवती का स्वरूप नहीं था, उस समय हमारे पास सिर्फ भगवती के जो मुख्य यंत्र होता है उसके द्वारा हम हवन करते थे। दूर दूर से तब भी दुनिया यहाँ पर आती थी, और आज आप बाहर की स्थिति देखिए, बहुत ही सरल सरलता से और बहुत ही दिव्य मंत्रों के द्वारा, जो कि भगवती के अनेक अनेक मंत्र हैं, एकाक्षरी से लेकर चतुराक्षरी, अष्टाक्षरी, द्वादशाक्षरी और 36 अक्षरी मंत्र, बगलामुखी ब्रह्मास्त्र कवच और बगलामुखी अष्टोत्तर सतनाम के द्वारा भगवती के दिव्य हम हवन उत्सव करते हैं। आप भी आइए और इस स्थान पर मस्तक नवाकर, माथा टेक कर अपनी सतत कामनाओं की पूर्ति करें। कहीं से भी, जहां भी आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपसे यही प्रार्थना नहीं अनुग्रह करते हैं कि आप आइए, भगवती का दर्शन लाभ लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाएं। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए मंदिर में फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए आर्य समाज मंदिर के प्रधान रंजीत आर्य ने बताया कि मुख्य यजमान प्रतीक भाटिया एवं सन्मीत भाटिया ने अपने परिवार सहित जन्मदिवस के अवसर पर ये पौधारोपण किया है। इस मौके पर महामंत्री हर्ष लखनपाल ने कहा कि जिस तरह मुख्य यजमानों की ओर से अपने जन्मदिवस पर ये पौधारोपण किया गया है, उसी तरह हम सबको भी अपने जन्मदिवस के अवसर पर पौधारोपण जरूर करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम स्वच्छ व सुंदर वातावरण प्रदान कर सकें। इस अवसर पर महामंत्री हर्ष लखनपाल, भूपेंद्र उपाध्याय और रंजीत आर्य ने आए हुए सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर आचार्य नरेश आर्य हिमाचल वाले सहित सुरेंद्र खन्ना, चौधरी हरिचंद, सुनीत भाटिया, वेद प्रकाश भाटिया, ललित मोहन कालिया, सुभाष आर्य, अनु आर्य, बैजनाथ, राजेश कुमार, राजेश शर्मा, अर्चना मिश्रा, प्रोमिला मेहता, अंजू देवी, कुबेर नल्ली सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में न्यू लक्ष्मीपुरा टांडा रोड से प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि इलाके की परिक्रमा कर आरती के साथ सम्पन्न हुई। इस अवसर पर भक्तों ने पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया और अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। Thank you.
घर में जब भगवान के वैष्णव संत जन आए आ करके भगवान का गुणगान करें तो उनके पितर भी धन्य जाते हैं, देवता उनके भाग्य की सराहना करते हैं और ऐसे परिवार अपना नगर की शोभा होती है। हमारे श्री प्रवेश शर्मा जी सन्नी जी इन्होंने कई दिनों से जैसे परिवार तरीका नगर में शुरू किया हुआ है, जिस आदमी का प्रयास है उनके कई वर्षों से राम मंदिर में बैठ करके प्रभु को बुझाते थे और जब जीवन में भजन की वृद्धि हो, सत्संग की वृद्धि हो, कबीरा शब्द का गल धरा धनवंता न होए, धनवंता सब जानी जाको राम नाम धन होए, तो धन से धन बढ़ता है। तो ये प्रवेश शर्मा जी के सभी पत्ते को माँ भगवती जी लता ने आशीर्वाद दिया है कि और घर घर में जो हिंदू महाजगत में राम नाम की ज्योति जगाई है। श्री कालिका धाम ज्योतिष विद्यालय में दिव्य ज्ञान दुख निवारण चंडी महायज्ञ किया गया, जिसमें मां महाकाली का दिव्य झूला लगाया गया। इस दौरान दूर दूर से भक्त यहां आकर मां के पूजन एवं हवन यज्ञ में भाग लेकर कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। इस मौके पर धाम के संस्थापक ज्योतिषाचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित ने बताया कि हर शनिवार को सायं 6 बजे यज्ञ शुरू होता है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा लेकर यहां आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये यज्ञ मां के आदेश से निशुल्क किया जाता है। इस मौके पर गायक मुकेश इनायत ने मुख्य यजमान के रूप में पहुँचकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर धाम के मुख्य सेवादार संजीव शर्मा कुकन, रोहित रणदेव, रणबीर राणा, देसराज शर्मा, हरप्रीत सिंह, साहिल गग्गू, विशाल गिल, सूरज लाहौरिया, अतुल कनौजिया, राकेश लक्की, अजय सिंह, हरिओम शास्त्री, संजय शास्त्री, पंकज शास्त्री, गीता प्रीति, कोमल, सोनिया, रत्ना, शैली शर्मा, ईशा शर्मा, पूर्वी शर्मा, दीपक सेठी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। महाकाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। और मैं जी थोड़ा अपना मुकेश इनायत, मैं अपनी लाइफ के घट्टो घट्ट 20 तो 25 साल हो गए माता रानी की जागरण कर रहे हैं और अज कालका धाम के जिथे कि भगवती माँ के दीवाने जो हवन यज्ञ करना पैदे ने और भगवती माँ महाकाली जी का बहुत आनंद बरसद और अज साडे आदरणीय आचार्य जी साडे रिस्पैक्टेड साडे पंडित जी बबलू पंडित जी द्वारा जिहड़ा कि अज हवन यज्ञ किया गया इन्ना क ज़्यादा आनंद मेरी माँ महाकाली जी ने दिता है। सच गल दसा जी अज आत्मा नूं इन्ना क ज़्यादा सुकून मिलिया शायद व्डे व्डे मंच व्डिया व्डिया स्टेजा पर मैं वो भेटा गा के शायद ना मिलया हो पर जिहड़ा आनंद अज मैं हवन यज्ञ दे विच मिलिया और भगवती माँ अंबे माँ जगदंबे माँ मेरी शेरां वाली माँ मेरे वेले माँ सारे ही बच्चों भगतों माँ कालका धाम के साडे आचार्य साडे पंडित जी बबलू पंडित जी जो कि हर बार हवन यज्ञ करने पैंदे है और सब दिया मनोकामनावां इत्थे पूरियां होंदियां और मैनू भी अज मौका मिलिया समय मिलिया और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ सारे ही कालका धाम वालियां दा सेवादारां दा और आदरणीय बबलू पंडित जी। जयकारा है देवी माँ महाकाली जी का। जय माता दी।
हलचल चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। कालिका धाम किशनपुरा में जैसे हर शनिवार को माँ चंडी का दिव्य यज्ञ किया जाता है, जहाँ से बड़े दूर दूर से भक्त आकर के हर शनिवार को बैठकर महारानी के आशीर्वाद से ही अपने कार्य को सफल करते हैं, अपने जीवन को सफल करते हैं। तो आज भी उसी कड़ी में माँ चंडी का यज्ञ किया गया किशनपुरा कालिका धाम में, जिसमें मुख्य यजमान देश दुनिया में भी अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके मुकेश इनायत जी और अपने साथी के साथ सभी ने मिल करके माँ चंडी का यज्ञ किया है। माँ भगवती आप सभी दर्शकों का भी हम सब का मंगल करे, कल्याण करे, हमारे देश में हमारे समाज में खुशहाली रहे, शांति रहे, इसी कामना से माँ चंडी का यज्ञ किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम दोपहर 4 बजे से लेकर साईं 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड के पाठ किए गए, जिसके पश्चात साईं 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। यह चर्चा कब की है? द्वापर युग पर्यंत, द्वापर युग के अंत की चर्चा है। जो श्रीमद् भागवत जी का लेखन हुआ, यह कब हुआ? द्वापर युग के अंत में। क्योंकि जैसे ही द्वापर का अंत होगा तो कलयुग का आरंभ होगा। द्वापर का समय खत्म हुआ तो कलयुग वैसे ही प्रारंभ हो जाए। नारद जी ने कहा, मैंने कलयुग को देखा, वेद व्यास जी ने भी कहा, मैं भी दर्शन कर रहा हूं पर मुझे अच्छा समय नहीं दिख रहा। संतानें पिता को नहीं मानेंगी, धन के लिए ही लोग अपने भाई को वैर दृष्टि से देखेंगे, सत्कर्म को कम मानेंगे, और यदि थोड़ा सा भी संकीर्तन भगवान का नाम और सेवा कर देंगे तो कलयुग में आनंद ही आनंद, परमानंद ही प्राप्त हो जाए। नारद जी ने कहा, संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं घूमा हूं, देखा हूं मैं नजदीक से जा जा करके, पर कहीं मुझे सुख शांति आनंद परमानंद बिल्कुल भी नहीं दिखा। वेद व्यास जी भी आज कह रहे हैं, ऐसी मेरे से क्या कमी हो गई जो मैं कलयुग का निदान करने के लिए कोई ऐसा प्रहारक चीज नहीं बनाया, ऐसा यंत्र संयंत्र नहीं बनाया, ऐसा ग्रंथ नहीं बनाया। इतने में ही नारद जी तेज हो। नारद जी ने कहा, वेद व्यास जी आप स्वयं ही ऐसा कहो कि कलयुग की मुक्ति और कल्याण के लिए मैं कोई ग्रंथ नहीं बना पाया। अच्छा, नहीं? नारद जी ने कहा, बाबा आपने गलती तो कर दी है, ये तो जरूर है, और थोड़ी मोड़े गलती आपने नहीं किया, बहुत कर दिया है। के पावन में उनके पावन सभी देवी तालाब मंदिर में आप सब परम दयालु सभी पावनाकारी भक्त माव मेरे परम दयालु गौतम तुलसी महाराज जी का 40 दिन की जयंती भगवत आराधना महामहोत्सव मना रहे हैं। उसी के अंतर्गत कल से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का जो प्रारंभ हुआ है, व्यासपीठ पर विराजमान हमारे बहुत ही प्रिय श्री चित्रकूट धाम से आए हुए चित्रकूट धाम की अनंत महिमा है। प्रभु श्री रघुनाथ ने अपने
14 वर्षों का जो वनवास काल था 12 वर्ष हमारे प्रभु ने वही आए हैं ऋषि मुनियों के साथ सत्संग किया है और उसी पावन नगर से जहाँ महापुरुष ने कहा है चित्रकूट में बस रहे रही मन अवतन रहे जहाँ पर विपता पड़त है तो आवत रही दे चित्रकूट की महिमा में कहा है जब पांडवों के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था वनवास काल में पांडवों को रखते हुए तरह तरह के संकट कष्ट पा रहे थे तो श्री चित्रकूट धाम में आकर के ही उनके कष्टों का संकटों का निवारण हुआ है। वहाँ पर भी माता सती सुइया ने अपने पति वक्ता ध्रुव के बल से परमराते भगवान नारायण भगवान शिव और पितामह ब्रह्मा को अपनी गोदी में खिलाया। चित्रकूट में आज भी अनेकों अनेक महापुरुष भगवत आराधना कर रहे हैं महापुरुषों के तप के बल कि आज हमारा सनातन धर्म संस्कृति विकास है। उसी चित्रकूट की पावन धरा से जहाँ पर हमारे प्रभु श्री रघुनाथ ने दोनों भुजाओं उठा करके ऋषि मुनियों के सामने संकल्प लिया है कि मैं इस धरा से पापों का नाश करूँगा वही शुभ संकल्प की धरा जहाँ पर हम भी समय भगवत के साथ गौ माता की व्यथा को देख करके चारों तरफ गौ माता के ऊपर संकट में हम लोगों ने भी ज़्यादातर गौ माता की उपेक्षा कर दी। कसाई घरों में बिक्र खानों के द्वारा गौ माता का वध हो रहा है एक बार मन में कुछ वर्ष पहले बहुत व्यथा हुई मन में आया कि कहीं जाके एकांत में गौ माता के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे ऐसा विधान बना हनुमान जी की कृपा से और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। करतारपुर नेशनल हाईवे पर बोरवेल में गिरे मजदूर के शव को 48 घंटे बाद कड़ी मुशक्कत से निकाला बाहर एम्बुलेंस में डालकर भेजा अस्पताल।
जालंधर के ईश्वर कॉलोनी में भांजी के प्रेम विवाह से गुस्साए मामा ने साथियों सहित किए हवाई फायर, जमकर बरसाई ईंटें और पत्थर। मलेशिया में फंसी संगरूर की लड़की की वीडियो हुई वायरल, मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर पंजाब वापसी का दिलाया भरोसा। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।